पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला दे कतल कांड ने सारिआं नूं ही चिंचोड़ के रख दिता है। दुनिया भर दे विच इक्को ही आवाज उठ रही है कि सिद्धू नूं इंसाफ मिलना चाहिदा है। दूजे पासे पुलिस दे वल्लों भी हर पक्ष तों इस मामले संबंधी जांच कीती जा रही है। वख-वख प्रकार दी जानकारी जदों मीडिया दे जरिए लोकां तक पहुंचदी है तां उस जानकारी नूं सुण के लोक हैरान रह जांदे ने ते इसे विचाले एक अजिही ही जानकारी सिद्धू मूसेवाला दे कतल कांड नाल संबंधित सामने आ रही है जिसने सब नूं ही हैरान करके रख दिता है। यह जानकारी सिद्धू मूसेवाला दे कतल कांड विच शामिल शार्प शूटरां दे नाल संबंधित है। दस दईए कि सिद्धू मूसेवाला दे कतल कांड विच शामिल ते जेल विच बंद शार्प शूटरां नूं लैके हुण वड्डी खबर सामने आई है। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਸਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ? ਸਰ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗੋਂਦਵਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ? ਇਹ ਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਕਰਨਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕਢਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜੀ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। प्राप्त हुई जानकारी मुताबक पता चलिया है कि जेल विच बंद सिद्धू मूसेवाला दे कातलां नूं हुण वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। अजिही चर्चा छिड़ी हुई है। दसिया जा रहा है कि जेल विच बंद शार्प शूटर दीपक प्रियावर्त ते कशिश कोल मोबाइल फोन ते सिम कार्ड बरामद हुए ने। दसिया भी जा रहा है कि अज सवेरे तरन तारण की केंद्रीय जेल दे विच अचनचेत चैकिंग की गई, जिसके चलते इन्हों तिना शार्प शूटर के कोलो तीन मोबाइल फोन ते दो सिम कार्ड बरामद किए गए ने, जिसके चलते हुण प्रशासन ते कई तरह के सवाल चुके जा रहे ने कि एडे वड्डे कतल कांड विच शामिल शार्प शूटर के कोलो इस प्रकार मोबाइल फोन ते सिम कार्ड जो बरामद किए गए ने, उसके चलते हुण प्रशासन सवालों के घेरे दे विच है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला दे कतल कांड ने सारिआं नूं ही चिंचोड़ के रख दिता है। दुनिया भर दे विच इक्को ही आवाज उठ रही है कि सिद्धू नूं इंसाफ मिलना चाहीदा है। दूजे पासे पुलिस दे वल्लों भी हर पक्ष तों इस मामले संबंधी जांच कीती जा रही है। वख-वख प्रकार दी जानकारी जदों मीडिया दे जरिए लोकां तक पहुंचदी है तां उस जानकारी नूं सुण के लोक हैरान रह जांदे ने ते इसे विचाले एक अजिही ही जानकारी सिद्धू मूसेवाला दे कतल कांड नाल संबंधित सामने आ रही है जिसने सब नूं ही हैरान करके रख दिता है। यह जानकारी सिद्धू मूसेवाला दे कतल कांड विच शामिल शार्प शूटर दे नाल संबंधित है। दस दईए कि सिद्धू मूसेवाला दे कतल कांड विच शामिल ते जेल विच बंद शार्प शूटर नूं लैके हुण वड्डी खबर सामने आई है। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਸਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ? ਸਰ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗੋਂਦਵਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ? ਇਹ ਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਕਰਨਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕਢਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਜੀ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। प्राप्त हुई जानकारी मुताबक पता चलिया है कि जेल विच बंद सिद्धू मूसेवाला दे कातलां नूं हुण वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। अजिही चर्चा छिड़ी हुई है। दसिया जा रहा है कि जेल विच बंद शार्प शूटर दीपक प्रियावर्त ते कशिश कोल मोबाइल फोन ते सिम कार्ड बरामद हुए ने। दसिया भी जा रहा है कि अज सवेरे तरन तारण की केंद्रीय जेल दे विच अचनचेत चैकिंग की गई, जिसके चलते इन्हों तिना शार्प शूटर के कोलो तीन मोबाइल फोन ते दो सिम कार्ड बरामद किए गए ने, जिसके चलते हुण प्रशासन ते कई तरह के सवाल चुके जा रहे ने कि एडे वड्डे कतल कांड विच शामिल शार्प शूटर के कोलो इस प्रकार
मोबाइल फोन ते सिम कार्ड जो बरामद किए गए ने उसके चलते हुण प्रशासन सवालों के घेरे दे विच है।